हेलो एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति यानी उत्तरायण की शुभकामनाएं। आज मैं आपको सूरत में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है ये दिखाऊंगी। सबसे पहले हम गए थे मार्केट में पतंग देखने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी शॉप लगती है पतंगों की। इस साल पूरे गुजरात में 800 करोड़ की पतंग बेची गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये फेस्टिवल कितना बड़ा होता है। बहुत सारे एयर बलून्स इस दिन बेचे जाते हैं। हम भी गए थे बलून लेने के लिए। फिर बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद फाइनली 2 बलून लिए गए। सूरत में इस फेस्टिवल पर जलेबी और उंधियों के स्टॉल लगते हैं। इस सब्जी की बहुत डिमांड होती है फेस्टिवल के दौरान, जिसकी टेस्ट भी बहुत ही अच्छी होती है। उत्तरायण सूरत का सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल है, जो बड़े ही धूमधाम से 2 दिन तक मनाया जाता है। सब अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। सब अपने अपने घर के टेरेस पर पतंग उड़ाते हैं। बड़े ही मज़े से ये काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आपके यहाँ पर इस फेस्टिवल को किस नाम से जाना जाता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर एक बार आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में लाइक और कमेंट करना ना भूलें।